अब खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी में लगातार प्रशिक्षण और चिंतन शिविरों का आयोजन होता रहता है। इसी कड़ी में आज राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस चिंतन शिविर में केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के पदाधिकारी जुड़े। इसके साथ ही भारत के विदेश मंत्री ने विदेश नीति और देश की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। चिंतन प्रशिक्षण अभ्यास वर्ग ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा है। जनसंघ के काल से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विषयों से अवगत कराना, वैचारिक रूप से उनको मजबूत करना, यह हमारी पुरानी परंपरा है। इसी के नाते हमारे गत नवंबर दिसंबर में मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग पूरे हुए। इसके पश्चात क्योंकि कोरोना का संक्रमण और उसके कारण हम प्रत्यक्ष नहीं मिल पा रहे थे, इसलिए ई चिंतन के माध्यम से वर्चुअली हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राष्ट्रीय टोली का कार्यक्रम होता है, उसमें एक विषय पर चर्चा होती है, डेढ़ घंटे का ये सत्र होता है। इसके बाद प्रादेशिक स्तर पर होता है बुधवार के दिन, और इसके बाद जिला स्तर के हमारे सभी 57 जिलों के कार्यकर्ता एक साथ जुड़ते हैं, और ये शनिवार के दिन कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होता है। इस नाते से आज भारत की विदेश नीति और उपलब्धियां, इस पर माननीय जयशंकर जी ने हम सबका मार्गदर्शन किया। अनेक ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्यतः कार्यकर्ता को नहीं हो पाती, इसके कारण ये वर्ग हम सबका मार्ग प्रदर्शित करता है, और इसके कारण हम बेहतर और अच्छे से अपने एजेंडा को और आगे बढ़ाते हैं।